हिंदी चीनी भाई भाई पार्ट टू, जी हाँ इसी पर हम करेंगे चर्चा। तस्वीरें सीधी आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान की शुरुआत की है सुबह सवेरे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत जरूरी, लेकिन कूटनीति के नजरिए से आज का दिन बेहद अहम। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो रही है। जिनपिंग मिलेंगे, फिर दोनों देश के डेलीगेशन की मीटिंग होगी। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्वच्छता का संदेश दिया है उसकी चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाबलीपुरम में समंदर किनारे सुबह सुबह सैर पर निकले, वहां फैले कूड़े को देखकर उन्होंने ये पहल की। इसके साथ ही स्वच्छता का एजेंडा फिर से देश के सामने रखा, संदेश पुरजोर तरीके से दिया। महाबलीपुरम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं समुद्र किनारे के, और लगातार हमारे दो सहयोगी वहां से डटे हुए हैं। हमारे साथ मीनाक्षी कांडवाल हमारी सहयोगी, और गौरव सावंत इस वक्त सीधे महाबलीपुरम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दोनों के पास आते हुए ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में आज दिलचस्प बात यह है मीनाक्षी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई का एक जबरदस्त संदेश सुबह सवेरे दे दिया है। हाँ, नजर रहेगी भारत चीन के कैसे मुलाकात होती है, डेलीगेशन के जरिए क्या कुछ बातें सामने आती हैं, लेकिन सुबह सवेरे का यह संदेश। बिल्कुल अंजना, और देखिए जिस बीच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे वो एक बहुत ही लंबा स्ट्रेच है, करीब 51 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। मैं खुद उसके एक दूसरे हिस्से पर मौजूद थी और मैंने देखा है वहाँ पर कि गंदगी का आलम क्या था। वजह ये भी है क्योंकि वहाँ पर मछुआरे बड़ी संख्या में होते हैं, कमर्शियली उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक मैसेज बहुत क्लियर कट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से दिया कि जो भी हमारे बीचेज हैं, पब्लिक प्लेसेज हैं, उनकी साफ सफाई के लिए नागरिकों को आगे आना होगा। और आप जिक्र कर रही थी अंजना आज की मुलाकात का, तो हालांकि अभी राष्ट्रपति शी जिनपिंग क्योंकि चेन्नई से निकले नहीं है तो इसलिए अभी तक जो तय समय था उसके हिसाब से कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है। हम भी इस इंतजार में थे कि आज जब फिशरमैन्स कोव में ये मुलाकात होगी तो कल के दिन से आगे अब बातचीत किस स्तर पर पहुंचती है, क्योंकि आतंकवाद को लेकर बातचीत और व्यापार को लेकर एजेंडा कल प्रधानमंत्री मोदी सेट कर चुके हैं। तो अब यहां से लेवल 2 पर यह बातचीत जाएगी, और जिस तरह से दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई है कि रेडिकलाइजेशन को लेकर कदम उठाने होंगे, तो इंतजार रहेगा आज क्या बड़ा मैसेज वहां से निकलता है। बिल्कुल, गौरव सावंत को दिखाइए। और गौरव, मुझे लगता है आप समुद्र किनारे ही इस वक्त मौजूद है। सफाई का संदेश, लेकिन एक और सफाया करना है आतंकवाद का, क्या दोनों देश उस पर साथ दिखेंगे? गौरव, भारत अपना पक्ष बहुत तेजी से रखेगा। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सफाई करके दिखाया आज सुबह ब्लॉगिंग, हम लोग उसी बीच के दूसरे छोर पर इस समय खड़े हैं। हमारे पीछे ही है ये फिशरमैन कोव, आप मेरे पीछे एसपीजी और तमिलनाडु पुलिस के कर्मियों को देख भी सकती है, वो तैनात है इस समय यहाँ पर। तो इसी बीच पर प्रधानमंत्री ने सवेरे सवेरे सफाई की और ये संदेश दिया कि किस तरह से अगर हमको अपने देश में पर्यटकों को बड़ी संख्या में लाना है, जो उनका एक उस पर भी उन्होंने बल दिया, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंडिया चाइना के बीच में, और खासतौर पर यहां महाबलीपुरम में, तो फिर सफाई भी रखनी होगी, यह संदेश प्रधानमंत्री का। लेकिन आपका दूसरा प्रश्न और बहुत अहम प्रश्न, रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म, भारत का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, चीन साथ दे तो अच्छा है, चीन साथ न भी दे तो भारत तो आतंक के खात्मे के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। भारत का दूसरा जो बड़ा पहलू है अंजना, वो ये है कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार और वाणिज्य में असमानता है, 58 बिलियन डॉलर्स था ट्रेड डेफिसिट, अब घटकर 53 बिलियन डॉलर्स आया है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा है, उसको कैसे चीन घटाएगा? जब वो वन ऑन वन बातचीत होगी भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच, उससे क्या दिशा निर्देश निकलेगा उनके डिप्लोमैट्स के लिए? और आपको टोककर बीच में, गौरव, ये तस्वीरें मैं इस वक्त दिखा रही हूं आपको, चीनी राष्ट्रपति वहां पर पहुंच चुके हैं, शी जिनपिंग पहुंच चुके हैं महाबलीपुरम, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद। महाबलीपुरम में दो महारथियों की मुलाकात, जिसके जरिए कैसे साझा रिश्तों के रास्तों को तय किया जाए, ये कहा जाता है कि इन दो राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात के साथ ही हमेशा पाकिस्तान का साया इर्द गिर्द रहता है, वो मुद्दा हावी रहता है, लेकिन कोशिश यही है कि उन सब के बावजूद इस रिश्ते को कैसे आगे ले जाया जाए। एक तरफ
भारत का लोकतंत्र और दूसरी तरफ चीन और उसकी नीतियां। ऐतिहासिक तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस शिखर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की इस वक्त आप देख रहे हैं। महाबलीपुरम की तस्वीरें हैं। थोड़ी देरी से कार्यक्रम चल रहा है लेकिन सेकेंड इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट बातचीत दोनों के बीच में होती हुई और हमेशा ही एक ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के वो जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। इन तस्वीरों पर उनके साथ चर्चा होगी। बीते दिन भी उस केमिस्ट्री को हमने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दे रहे थे लेकिन उसकी प्लानिंग ही कुछ इस अंदाज में की गई है। कमल मित्रा चिनॉय साहब जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शीलकांत शर्मा जी फॉर्मर डिप्लोमैट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जी डी बख्शी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। गौरव सावंत और मीनाक्षी कानवाल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए उस केमिस्ट्री को समझने की कोशिश और इसी के जरिए एक संदेश इन तस्वीरों के जरिए पूरे विश्व में देखिए। अमेरिका में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया था तो यह माना गया कि अमेरिका इसी के जरिए चीन को एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां से निकला हुआ संदेश भी कई समंदर पार तक पहुंचेगा और ये जो आप देख रहे हैं दोनों के बीच में अब तो दूसरा दिन है। थोड़ा और भी एक आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में इजाफा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मीनाक्षी के पास जल्दी से चलते हैं। मीनाक्षी पहुंच गए हैं चीनी राष्ट्रपति। बिल्कुल अंजना और इंतजार इसी बात का था कि जब यहाँ पर दोनों नेता मौजूद होंगे और 40 मिनट की जो इनकी ये बातचीत होने वाली है जिसमें वन टू वन दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तो किस हद तक बातचीत आगे जाएगी और एक दूसरे को जो अहम मुद्दे भारत और चीन के बीच में है उन्हें किस हद तक एक दूसरे को कन्विंस किया जा सकता है। कल जब विदेश सचिव विजय गोखले मौजूद थे मीडिया के सामने तो उन्होंने कहा कि दोनों को 6 घंटे का समय बताना था जिसमें 5 घंटे का समय ऑलरेडी पहले दिन ही बिता चुके हैं। यानी गर्मजोशी के साथ जो मुलाकात पहले दिन हुई अब उसे दूसरे लेवल पर लेकर जाना है। लेकिन आज दोनों नेताओं के बीच जब बातचीत होगी तो पूरा ध्यान इस तरफ होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि ये दोनों देशों के देखिए टॉप लीडर्स हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं और इन दोनों के पास ही वो कैपेसिटी है जो अपने कोर इश्यूज को लेकर ये एक दूसरे को कन्विंस करेंगे और एक अगली हद तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद जब डेलीगेशन स्तर की बातचीत होगी तो इसी 40 मिनट की बातचीत का मैसेज उस स्तर पर जाएगा और वहां से भारत और चीन के रिश्तों के लिए रास्ता आगे खुलेगा जिसमें ट्रेड डेफिसिट व्यापार को लेकर कौन कौन से कदम दोनों देशों के बीच उठाए जाएंगे। लेकिन आतंकवाद जो भारत के लिए सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान को भी संदेश देने के लिए और चीन से अगर किसी तरह का सपोर्ट भारत जुटा सकता है तो ये आज के दिन में 40 मिनट की इस बातचीत में बहुत अहम रहने वाला है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अब तमाम एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। उसके बाद सैयद जफर इस्लाम में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे बात करूंगी। आपके साथ शुरुआत करते हुए जनरल बख्शी अगर इन तस्वीरों को हम देखें बीते दिन हमने देखा किस तरह से नारियल पानी से लेकर बड़े ही ऐतिहासिक जगहों पर दोनों की तस्वीरें एक जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई गई नारियल पानी से लेकर अब इस कार्ट तक जिसमें दोनों सवारी करके आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को संदेश कैसे आतंकवाद क्योंकि इससे पहले ही इमरान खान से मुलाकात हुई है। ट्रेड डेफिसिट तमाम जगह अपनी उतनी ही महत्वपूर्ण लेकिन इस पर भी पूरे विश्व की नजर रहेगी। जनरल बख्शी बेशक इस पर नजर रहेगी और ये देखिए जो डिप्लोमेटिक पार्लेंस में एक नया दौर जो शुरू आया है कि नेशनल कैपिटल्स को छोड़कर हम जो है अपने अपने देश के जो सुंदर प्रांतीय इलाके हैं वहाँ पे इस प्रकार की मीटिंग्स की जाए। वुहान में मीटिंग हुई ऐतिहासिक स्थल महाबलीपुरम पे मीटिंग हो रही है जहाँ से कि और यह देखिए जहाँ तक अटकलें मीडिया में लगी हैं महाबलीपुरम की चॉइस में भी जो चीन के राजदूत हैं राजनयिक हैं उनका एक बड़ा हाथ है क्योंकि वो जब यहाँ आए तो उन्होंने जो पल्लव राज्य और जो सुंग डायनेस्टी के बीच में जो बड़ा एक इंटरैक्शन था उसको मद्देनजर रखते हुए इस इलाके की मांग की क्योंकि इसके चयन ही एक संदेश देता है ऐतिहासिक लिंकेजेस का दोनों सभ्यताओं के बीच भारत की सभ्यता और चीन की पुरातन सभ्यता सबसे पुरातन सभ्यताएं हैं ये। जो मेन मुद्दे हैं हमारे पास एक तो आतंकवाद का मुद्दा है। याद रहे चीन भी आतंकवाद से उतना ही त्रसित है जितना कि भारत और जो उइगुर जो टेररिस्ट हैं
उन्होंने चीन में काफी कहर ढा रखा था। चीन ने जो उनके खिलाफ जितनी सख्ती से कार्रवाई की है, शायद ही दुनिया में इसकी दूसरी मिसाल आपको मिल सकती है। वहां पे मस्जिदों में जो लाउडस्पीकर उतार लिए गए हैं, मस्जिद के बाहर कोई अपनी दुआ नहीं कर सकता, दाढ़ियां काट दी गई हैं, और जो क्या कहते हैं बुरके हैं वो हटवा दिए गए हैं, चीनी नाम पे बाध्य कर रहे हैं, खान वगैरह वो नामों से हटा रहे हैं, कंसंट्रेशन कैंप में लाखों उइगुर आज के दिन जो है उनको उनको सताया जा रहा है, उनके ऊपर काफ़ी जुल्म हो रहा है, और खुद तो चीन का ये रवैया है, लेकिन जहां भारत के खिलाफ टेररिज्म का सवाल है, अपनी सामरिक हितों को देखते हुए वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। मसूद अजहर को उन्होंने इंटरनेशनल टेररिस्ट होने से रोका कितने समय तक? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बख्शी साहब, मैं लौटूंगी सर आपके पास, अगर आप सभी एक्सपर्ट्स के पास कोई टीवी भी आसपास हो तो लगातार बनती हुई इस केमिस्ट्री पर भी हम लोग जरा सा कमेंट्री करते रहें, क्योंकि ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, समंदर का भव्य नजारा, लहरें जो इस वक्त किनारों से टकरा रही है, कुछ इसी अंदाज में आतंकवाद के खिलाफ ये दो देश अपने अपने तरीके से जूझ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसको लेकर चीन का रवैया कई बार फ्लिप फ्लॉप रहा है, जिसमें कई बार वो कहता है दोनों देशों का मसला है करिए, फिर जब इमरान खान साथ होते हैं तो ये भी कह दिया जाता है कि इस पर कश्मीर एक गंभीर समस्या है। इन सबको लेते हुए कैसे इन रिश्तों को इस टकराव से आगे ले जाना है, इस पर सबकी नजर रहेगी। चार तस्वीरें हम आपको इस फिलहाल दिखा रहे हैं, लेकिन समंदर किनारे महाबलीपुरम में महारथियों के इस मुलाकात पर अब मैं कमल मित्रा चिनॉय साहब आपको शामिल करना चाहती हूं। ट्रेड डेफिसिट कैसे ये सब कुछ आगे बढ़ाया जाए महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को लेकर जो रवैया रहा है चीन का, उसका कभी हाँ कभी ना है, उन सबसे भी निपटना है। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, हमारे साथ शालिनी हमारी सहयोगी एक वक्त वहां पर जुड़ रही हैं। शालिनी, जो हम इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं समुद्र किनारे एक रिसॉर्ट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं, आगे का कार्यक्रम शालिनी। अंजना, आज दोनों मिल रहे हैं और एक टेट-अ-टेट होगा जिसमें सिर्फ दोनों आपस में प्राइवेटली बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक दूसरे के साथ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और मुद्दे ये है टेररिज्म, बॉर्डर इश्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट प्रायोरिटीज और अपने देशों के लिए उनका नेशनल विजन, और इंडिया और चीन कैसे आपस में हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। ये है उनके एजेंडा आज की चर्चा के लिए, और उसके बाद 50 मिनट्स ऑफ इंडिविजुअल डायलॉग के बाद होगा डेलीगेशन टॉक्स, जिसमें चाइनीज डेलीगेशन और इंडियन डेलीगेशन होगा वहां पे, और एक दूसरे के 50 मिनट है टॉक्स के लिए बिटवीन द टू कंट्रीज। उसके बाद 11:45 को लंच सर्व किया जाएगा, और फिर 12:45 वहां से चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वापस चेन्नई आएगा, एयरपोर्ट से डिपार्चर होगा उनका 1:30 को। जी ठीक है शालिनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट्स। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों में महाबलीपुरम में इस वक्त मौजूद है। कमल मित्रा चिनॉय साहब, उस सवाल का जवाब जो मैं आपसे पूछ रही थी कि चाहे ट्रेड डेफिसिट, नेशनल इंपॉर्टेंस की क्या क्या मुद्दे हैं, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, 1-to-1 इस वक्त बातचीत हो रही है, सामने समुद्र की लहरें हैं, लेकिन इस बात से नजर नहीं फेरा जा सकता कि आतंकवाद को लेकर, क्योंकि जो टोन सेट किया गया था अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ रेडिकल इस्लाम, टेररिज्म, कई सारे ऐसे शब्द आए थे, उसके कंपैरिजन में जब इस मुलाकात को देखें तो तस्वीर कैसे अलग है? देखिए, पहले बात यह है कि आतंकवाद जो है वो ज्यादातर चीन में है, सिंकियांग में, जहाँ उइगर्स वगैरह के साथ दिक्कतें हैं, और ये शी जिनपिंग के समय नहीं है, काफी कई दशकों से वो समस्या है। दूसरी बात यह है कि आर्थिक मामलों में हमें जबरदस्ती कोशिश करना है कि हम कर लें, आईफोन से लेके मल्टीपल ट्रक की जो कॉन्वॉय है सब कुछ चीन बनाता है। जहाँ तक और भी चीज़ है, लोग बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं चीन में, खाने से लेके कपड़े, फोन, सब कुछ उनको मिलता है, सस्ते में मिलता है, तो एक तो उनका वो है। हमारा जो कोशिश है वो अब तक उनके बराबर नहीं रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान का मामला है,
चीन तो अपने दोस्तों को रखेगा, हम उनको नहीं कह सकते कि आप कुछ मत करो, मगर ये लगता है कि शी ने कुछ रोक लगाया है इमरान खान पे, क्योंकि इन हफ्तों में इमरान खान काफी खामोश रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग ऐसी कोई पहल कर रहे हैं कि इमरान खान को वो शांत करें इस मुद्दे पर, उसको कम करें? भाई वो पाकिस्तान का नेता है, हाँ। तो जो पाकिस्तानी फौज है बाकी है उनको वो उछालेगा, हाँ। मगर शी जिनपिंग जो चाइनीज परंपरा है और जो चाइनीज तरीका है वो है कि चुपके से किसी से बात करके कह दो यार ये आप कर लो और हम आपको ये फायदा दे देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का मामला इतना भयंकर होगा जितना लोग कह रहे हैं। शीलकांत शर्मा जी, क्या आप सहमत हैं कमल मित्रा चुनाव साहब से? उनका ये कहना है कि जो चाइना का काम करने का तरीका है चीन का, उसमें वो धीरे धीरे ये संदेश दे चुका है या दे रहा है इमरान खान को, पाकिस्तान को, क्योंकि इमरान खान तो खैर कठपुतली है वहां की सेना ISI के हाथों में, ये संदेश कि इस मामले पर धीरे शांत पड़ जाना ही बेहतर होगा। और ये मुलाकात, देखिए चाइना के और भारत के जो परस्पर स्टेक्स हैं उन पे गौर किया जाए तो चाइना का जो भारत के साथ स्टेक है उसका संवर्धन जरूरी है चाइना के लिए, और उसके संवर्धन के लिए अगर पाकिस्तान रोड़े अटकाता है तो चाइना अपने जजमेंट में ये डिसाइड करेगा कि उन रोड़ों को कहाँ तक वो बर्दाश्त करेगा। तो पिछले सालों में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब पाकिस्तान को चाइना की तरफ से सख्त हिदायत दी गई कि ऐसा ना करे, पर आज की स्थिति ऐसी है कि चाइना को व्यापक विश्व में जो टेंशन और तनाव देखने पड़ रहे हैं अमेरिका के साथ, और चाइना को जो ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना की इकॉनमी नीचे जा रही है, तो उसको अलाइज की तलाश भी है। और पाकिस्तान एक जैसा कि चाइना बार बार कहता है ऑल वेदर फ्रेंड है, यू नो आयरन क्लैड अलायंस है, तो इसलिए अब उसको ये चाइना के लिए सोचने की बात है कि एक तरफ उसका अलाय है और दूसरी तरफ उसके जो काम धाम है वो बड़े एम्बेरसिंग है, तो इनके बीच में तालमेल बिठाना चाइना का काम है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत बार बार ये बात साफ कर देता है चाइना को कि हम तो आपके साथ बाकायदा तैयार हैं हर तरह हर दिशा में रिलेशन बनाने के लिए। और ये जो उनको बुलाया गया है मलप्पुरम में और प्रधानमंत्री जिस तरह से उनसे मिल रहे हैं वो इस बात का परिचायक है कि भारत सब क्षेत्रों में चाइना के साथ बढ़िया संबंध बनाना चाहता है, इसमें कोई होल्ड बार नहीं है। पर जहाँ तक पाकिस्तान का प्रश्न है, भारत की स्थिति बहुत साफ है और भारत का पाकिस्तान द्वारा जो कश्मीर में जो इंटरफेरेंस होता है उसको बिल्कुल भारत बर्दाश्त नहीं करता, और कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है इसलिए उस पर भारत नहीं चाहता कि कोई और दखलंदाजी करे। तो इन बातों को साफ किया गया है, तो ये बात तो है ही है। अब चाइना पाकिस्तान को कितना सही सलाह देगा ये चाइना के ऊपर है, लेकिन एक पुरानी कहावत है वो चाइना जो कि बड़ी कहावतों का देश है, यू नो चाइनीज प्रोवर्ब्स का, पर ये चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, ये आमतौर से कहा जाता है कि यू हैव योर फ्रेंड्स बट डोंट लेट योर फ्रेंड्स चूज योर एनिमीज। तो चाइना का पाकिस्तान दोस्त भले ही है लेकिन पाकिस्तान चाइना के लिए दुश्मन नहीं बना सकता कोई और। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशंस होते हैं उनका एक बड़ा बेसिक पॉइंट होता है कि दो देशों के बीच में संबंध जो है उनका अफेक्ट, उनका जो इन्फ्लुएंस है तीसरे देश पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ जी। उसमें चाइना की विद्वत्ता और समझदारी और उसकी विजडम के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके विवेक पर निर्भर करेगा। हमारे साथ अब सैयद जफर इस्लाम को भी दिखाइए, लेकिन फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए उस जगह की। देखिए समुद्र का किनारा है, एक कमरे में दोनों ही बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग। ग्लास के डोज वहां पर जिससे आप समुद्र की लहरों को देख सकते हैं, दोनों ट्रांसलेटर सिर्फ उनके साथ मौजूद है, वन ऑन वन बातचीत हो रही है। आतंकवाद से लेकर व्यापार के मुद्दे पर कहा जा रहा है बातचीत संभव है। दोनों का ही क्या सोच है उनकी, क्या नजरिया है उनका अपने देश को लेकर, जिसे नेशनल विजन कहा जाता है आने वाले दशकों के लिए, क्या सोच है और कैसे उनकी नीतियां उसमें फिट बैठती हैं, ये सब पर चर्चा होगी। तो नजारा सामने समुद्र का है, अथाह आप कह सकते हैं ताकत दोनों देशों में इस वक्त मौजूद है, जिसके साथ वो भविष्य का रास्ता तय कर रहे हैं। और महाबलीपुरम के इस एक आप देख रहे हैं कमरे में जहां से ये सब नीतियां तय कर रही हैं, और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भविष्य में कैसे दोनों देश साझेदार बने, कैसे एक साथ आगे बढ़े, इन सब को इसी कमरे के अंदर आप इस पर बातचीत,
इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि क्या कुछ जानकारी इसके बारे में दी जाती है महत्वपूर्ण होगा, वन ऑन वन ये मुलाकात है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखिए, देश के अंदर की राजनीति के नजरिए से देखिए, तो विपक्ष का कहना है कि आपकी नजर दक्षिण भारत पर है, चुनावी तौर से राजनीति के रूप से इसलिए आप कर रहे हैं। दूसरी तरफ रणनीति, जिसमें फॉरेन पॉलिसी की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, क्योंकि उनकी पर्सनल केमिस्ट्री का इस्तेमाल इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में किया जा रहा है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए अन्ना जी, आपके पहले सवाल का पहले जवाब दे देता हूं। देखिए, अगर ऑपोजिशन ऐसा सोचता है कि हम साउथ में हमारी नजर है और दक्षिण में हमारी नजर है, तो उसमें क्या खराबी है? एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि पूरे, और हम पैन इंडिया पार्टी है, हम पूरे देश में हर जगह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, और जनाधार भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, और अगर दक्षिण में बढ़ता है तो क्यों नहीं? तो इसमें हमें कोई क्रेज नहीं। अगर अपोजिशन समझती है कि हम अपना अपनी जो पहचान बनाना चाहते हैं और जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं और हम करेंगे भी, आगे भी करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कोई स्पेसिफिक एजेंडा के साथ नहीं, ये बिल्कुल इनफॉर्मल डिस्कशंस होता है दो प्रीमियर के बीच में, लेकिन उसके पीछे बैक चैनल डिप्लोमेसी जरूर होती है। उससे इसलिए कि जो आप विजन की बात कर रहे हैं, दोनों देशों का विजन बिल्कुल साफ क्लैरिटी के साथ एक दूसरे प्रीमियर को जानना चाहिए, इसलिए इसके पीछे बहुत सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाए जाते हैं। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ अभियान का जो एक पेश किया, यहाँ पर जो इनिशिएटिव पेश किया, उन्होंने दिखाया, उससे दो चीजें बहुत जाहिर है, साफ कर दिया उन्होंने कि जिस तरह से पर्यावरण में भारत बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा, उसी तरह से टेररिज्म को खत्म करने के लिए और टेरर फंडिंग को खत्म करने के लिए भारत जो है, जो हर प्लेटफॉर्म से इनिशिएटिव लिए, और खास कर पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए जरूर कि टेरर फंडिंग पाकिस्तान में सब लिखी जाती है, जिस तरह से टेरर फाइनेंसिंग होती है उसका पाकिस्तान एक कहीं ना कहीं जड़ है, इसलिए पाकिस्तान के एक बैंक को भी न्यूयॉर्क में बंद करना पड़ा, उसके ब्रांच को भी। तो टेररिज्म एक बड़ा मुद्दा होगा, ट्रेड हमारे लिए, देश के लिए ट्रेड इंपॉर्टेंट इश्यू है, और वो उसके लिए भारत ने कई इनिशिएटिव भी लिए हैं, 380 आइटम का लिस्ट भी फेरिस पे भेजा है चाइना को, जहां जो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है चाइना को, उसके बारे में भी जरूर डिस्कशन होगा। उसके साथ साथ ये पूरे इनिशिएटिव में एक चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों देश के बीच में कैसे जो टाइज जो है, जो डिप्लोमेटिक और जो दोनों देशों के बीच में एक अच्छा रिश्ता बने, उसकी बहुत ज्यादा पेशकश प्रधानमंत्री की तरफ से और उनके तरफ से भी होगी। और खासकर जो इश्यूज जो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, वो टेररिज्म है जो कि हम उससे पीड़ित हैं, और पाकिस्तान जो जिस तरह से हर बार टेररिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो इस पूरे इश्यू में पाकिस्तान को भी एक्सपोज करने की कोशिश प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। ठीक है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इन तस्वीरों के साथ, चूंकि महाबलीपुरम का है, वो तस्वीरें फुल स्क्रीन एक बार फिर से दिखाइए, कैसे भव्य नजारा समुद्र की लहरों का। और महाबलीपुरम का महत्व यह है कि तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के किनारे महाबलीपुरम शहर चेन्नई से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर यह है। इस नगर की स्थापना धार्मिक उद्देश्यों से 7वीं सदी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन ने करवाई थी। अब महाबलीपुरम का चीन से आखिर संबंध है क्या, इस पर भी लगातार बीते दिन से चर्चा हो रही है। ऐतिहासिक शोध के मुताबिक महाबलीपुरम में चीनी, फारसी, रोम के प्राचीन सिक्के बड़ी संख्या में मिले थे, जिससे यह स्थापित होता है कि लगभग 2000 साल पुराना रिश्ता है महाबलीपुरम से चीन का। व्यापार के लिए बड़ी संख्या में चीनी व्यापारी यहां आया करते थे। महाबलीपुरम के पास स्थित कांचीपुरम में 7वीं सदी में पल्लव शासन के दौरान चीनी यात्री वेन सांग भी आए थे, जिन्होंने बड़े ही भव्य अंदाज में वर्णन किया है दक्षिण भारत की सुंदरता का, उसकी भव्यता का। और इसीलिए यह समुद्र का किनारा आज इतना महत्वपूर्ण बन गया है, जहां सामने लहरें हैं और फिर रिश्तों के वो उतार चढ़ाव हैं जिन पर इस वक्त चर्चा हो रही है। मैं आपके पास सीधा आना चाहती हूं शीलकांत शर्मा जी, वन बेल्ट वन रोड ये भी क्या चर्चा में उठ सकता है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत इससे अपने आप को अलग रखना चाहता है, लेकिन चीन कैसे इस पूरे हिस्से में अपने आप को बड़े रूप से स्थापित करने के लिए इसको बहुत बड़ा इनिशिएटिव और अपना सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव मान रहा है। वन बेल्ट वन रोड पे भारत ने अपनी स्थिति बहुत संक्षिप्त में, बहुत स्पष्ट शब्दों में जाहिर की है। भारत ने कहा है कि उसके पहले उसका जो वन बेल्ट वन रोड है, उसका
अनाउंसमेंट करने के पहले उन्होंने भारत से कोई मशवरा कोई कंसल्टेशन नहीं किया था, तो भारत को एक तरफ से ये फेट कॉम्प्लाई के रूप में प्रस्तुत किया गया, और चूंकि उसमें भारत की सॉवरेंटी और प्रभुसत्ता के ऊपर इंटरफेरेंस था, इसलिए भारत ने उसमें अपनी आपत्ति बड़े कठोर शब्दों में जाहिर की। फिर दूसरा, भारत ने जो उसके जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं उनके बारे में भी शंका जाहिर की कि उससे जो डेट है उसका रेट क्या होगा और जो इकोनॉमीज होगी उन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इन सब चीज़ों को भी भारत ने कमेंट किया। बाद में दूसरे देशों ने भी इस बात को उठाया और चाइना को इसमें अब इसी बीच रिलेशंस चाइना के जो न्यू कोल्ड वॉर सा बन गया है, तो उसमें अमेरिका और यूरोप के देशों को भी चाइना के लिए हर चीज़ पर संदेह होता है, तो वन बेल्ट वन रोड पे अब चाइना की जो नीतियां हैं उन पे संदेह काफ़ी है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, भारत का जो संदेह और जो कुछ भारत की आपत्तियां हैं वो औरों से कनेक्टेड नहीं है, भारत की अपनी सॉवरेंटी जो अपने जो प्रश्न है उनसे कनेक्टेड है जी। और उन चाइना ने उनका क्या जवाब देगा ये चाइना के ऊपर निर्भर करता है। अभी तक चाइना की तरफ से इस दिशा में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है सिवाय कुछ जनरल बातों के जी। आप बने रहे हमारे साथ जी, से तो इस तरह से स्पष्टीकरण होता नहीं जी। आप बने रहे, मैं जो समर्थक मैं लौट रही हूँ सर आपके पास इस वक्त, गीता मोहन हमारी एक और सहयोगी, क्योंकि अक्सर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनसे ही असल में धड़कन पता चलती है कि रिश्तों की धड़कन किस तरह से आगे बढ़ रही है। गीता मोहन हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ गई है। गीता, भव्य नजारा समुद्र का, सामने समुद्र की लहरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग बैठकर वहां पर मुलाकात कर रहे हैं, वन ऑन वन डिस्कशन, लेकिन माना जा रहा है कि व्यापार से लेकर आतंकवाद इन गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मोदी केमिस्ट्री इस बातचीत का कितना बड़ा हिस्सा, मोदी शी जिनपिंग केमिस्ट्री, और साथ ही ये मुद्दे और इनके साथ जो गंभीरता इस वक्त जुड़ी हुई है, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट हो या आतंकवाद हो, कैसे आगे बढ़ सकता है? अंजना, मोदी शी की जो केमिस्ट्री है उसी वजह से अभी तक हम देख रहे हैं कि भारत चीन में टेंशन्स के बावजूद रिश्ते बरकरार हैं और बहुत खराब नहीं हुए हैं। जो आर्टिकल 370 का डिसीजन था भारत का, वो अनप्रेसिडेंटेड था, जिस वजह से चीन से जो रिएक्शंस आए वो भी अनप्रेसिडेंटेड थे। ये ऐसे ही माहौल में बातचीत हो सकती है जहां पर दोनों लीडर्स साथ मिलकर एक रेजोल्यूशन ढूंढे और मोदी अपनी बात आगे रख सकते हैं कि किस वजह से आर्टिकल 370 का डिसीजन हुआ और इससे लद्दाख में और बॉर्डर, भारत चीन का जो बॉर्डर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आप ये दृश्य देख रहे हैं आज सुबह का और जो आपने कल रात देखा, उससे ये साफ नजर आता है कि वुहान में जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस था। भारत और चीन ने अफगान में ऑफिशियल्स का ट्रेनिंग किया, बांग्लादेश में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है भारत और चीन। और ऐसे ही माहौल में देखा जाएगा कि कैसे जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर, कश्मीर को लेकर, उसको उसके मद्देनजर कैसे रेजोल्यूशन लाया जाए और कैसे उसके बावजूद आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ट्रेड बहुत ही बड़ा मामला है भारत और चीन के बीच और उस पे मोदी जरूर बात करेंगे। गीता, बहुत ही भव्य तस्वीर आ रही है, ये कसूर सिर्फ वहां के मौजूद ग्लास डोर्स का है कि तस्वीरों में ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र की ये लहरें अपना प्रतिबिंब बना रही हैं उस ग्लास डोर्स पर, और पीछे आपको नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दोनों दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो कोई तुलना है नहीं, लेकिन अगर विश्व में बड़ी जो महाशक्तियां इस वक्त है उसमें हम देखें तो एक तरफ अमेरिका, चीन, भारत कैसे अपने रिश्तों के इस तराजू को आगे ले जाता हुआ, जिसमें वो जिसे बैलेंसिंग एक्ट कहा जाता है, उसके साथ आगे बढ़ता हुआ। एक तरफ ह्यूस्टन, जहां पर हमने देखा भारतीयों के था समूह के सामने प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप का एक बिल्कुल अलग अंदाज था, जिसमें रेडिकल इस्लाम, आतंकवाद, तमाम ऐसे शब्द सामने आए थे। और आज जो समुद्र के किनारे, मतलब ह्यूस्टन वर्सेस महाबलीपुरम हम देखें, तो वन ऑन वन एक बातचीत हो रही है गंभीर मुद्दों पर, क्या तस्वीर दिखती है गीता? अंजना, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखा है यहाँ पर माहौल बदल गया है, भारत बदल गया है। पहले भारत को चीन के पास जाना होता था, अमेरिका के पास जाना होता था और बताना होता था कि हमारे ये पोजीशंस हैं। अब
आपने रेडिकलाइजेशन की बात की, तो अमेरिका में खड़े होकर भी मोदी ने रेडिकलाइजेशन की बात की कि जरूरी है अमेरिका ये समझे कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा और चैलेंज है। और कल शी जिनपिंग के साथ भी रेडिकलाइजेशन की बात की, क्योंकि अगर शिनचांग में चीन को बहुत ही चीन के लिए बहुत ही गंभीर मामला है, तो भारत के लिए कश्मीर में और भारत के कई ऐसे पार्ट्स में रेडिकलाइजेशन बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है और बन चुका है। इसलिए दोनों देशों के साथ अगर मोदी एक साथ खड़े होकर बोल सकते हैं कि इस बात पे लड़ाई, इस बात पे साथ जुटकर लड़ना होगा, तो ये इंडिया का स्ट्रेंथ दिखाता है और चीन को भारत की जरूरत है, न केवल भारत को चीन की। ये भी नजर आता है जिस तरीके से चीन इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था, शी जिनपिंग इमरान खान के साथ खड़े होकर कश्मीर की बात की, लेकिन यहां पर आकर अगर आप देखें माहौल बदल गया है। कहीं ना कहीं चीन भी ये समझ गया है कि अगर लार्जर पिक्चर देखें तो पाकिस्तान चीन का एक सैटेलाइट स्टेट है, लेकिन भारत चीन के लिए एक पार्टनर है, एक इकोनॉमिक पार्टनर। और उसी तरीके से अगर आप जो विजुअल्स देख रहे हैं, ये विजुअल्स इमरान खान और शी जिनपिंग के नहीं हैं और ना ही थे जब इमरान खान बीजिंग में थे, लेकिन ये विजुअल्स मोदी और शी जिनपिंग के हैं। दिस इज अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड टुडे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार कवरेज के लिए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर हमारे साथ मौजूद है। कमल मित्र चिनॉय साहब आपके पास भी मैं आना चाहती हूँ, जीडी बख्शी जी आपके पास भी इस पर, क्योंकि जो चाइनीज मीडिया है वो भी इसको कवर करते हुए बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। वो ये कह रहा है कि पश्चिमी देश जो ये चाहते थे कि भारत और चीन जैसे ओल्ड सिविलाइजेशंस, जो पुरानी संस्कृतियां हैं, उनके बीच वो एक तलवार की धार घुसेड़ दे अपने रिश्तों के जरिए, उसको एक तरह से इस रिश्ते ने, इस मुलाकात ने गलत साबित कर दिया है। क्या ये वर्जन जिसके साथ चीनी मीडिया भी आगे बढ़ रहा है, इसको हम माने कि थोड़ा सॉफ्ट पूरी तरह से, मतलब एक जिसे कहते हैं मुलायम होना या भावुक होना या रिश्तों को बेहतर करने की तरफ, दोनों ही मुल्कों का ना सिर्फ प्रतिनिधि यहां पर मौजूद है पर जो बैकहैंड भी, जो तमाम लोग हैं वो भी इस कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेड के नजरिए से हम देखें तो भारत और चीन पूरे विश्व के लिए। देखिए, बात यह है कि ट्रंप भी अब मान लिया है कि चीन के कुछ फायदा है उनके लिए, एक तो व्यापार है मगर दूसरा ये है कि कई जो तकनीक हो रहे हैं फोन से लेके ब्लास्टर्स तक, ट्रेन्स तक, सब चीज़ में चीन काफ़ी आगे निकल गया। तो इसीलिए ये केवल राजनीतिक मामला नहीं है, ये ट्रंप वगैरह, यूरोप वगैरह के लिए ये एक आर्थिक मामला भी है। और इसीलिए शी जिन सिंह बहुत पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि वहाँ वही है जो नेता है और कोई उसके साथ है नहीं, और वो मिलिट्री का भी इंचार्ज है, तो जो वो चाहते हैं वो होगा। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को मैं सैटेलाइट स्टेट नहीं कहूँगा, बट पाकिस्तान वीकर स्टेट तो है, और जो वीकर स्टेट है वो कोशिश करता है धक्का देना, ये करना वो करना, वो हमें संभालना होगा। हमारी फौज काफ़ी मजबूत है और सीमा पे भी सब तैनात है, मगर इसके अलावा जो BRI है और जिसको ओबोर भी कहते हैं, ये इस पे समय लगेगा तय करने के लिए, क्योंकि बॉर्डर्स तो बहुत हमेशा सेंसिटिव होते हैं। तो मुझे लगता है कि शी जिनपिंग जो अभी हो रहा है उसको कर रहे हैं, और जो बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो बाद में देखेंगे। ठीक है, जफर साहब मैं आ रही हूँ, आप हाथ उठा रहे हैं बार बार, लेकिन उससे पहले एक बार जीडी बख्शी और गीता मोहन दोनों से छोटा छोटा कमेंट में चाहती हूँ। कई ऐसे मीडिया हाउसेस जो जीडी बख्शी साहब हमेशा भारत और भारतीयों के खिलाफ भी चीन में लिखते थे, वो भी बड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, और लगातार उनकी कटिंग्स में पढ़ रही हूं तो उनके जो राय वो सामने रख रहे हैं उसमें ये है कि भारत और चीन जैसे मुल्क कोई भी मौका नहीं खोते मौका बुनाने में, और ऐसे में दोनों ही देश ये साबित कर रहे हैं कि अगली जो सदी है वो एशिया की होगी, और ये दो ताकतवर देशों का ये मिलना बहुत महत्वपूर्ण वो इवेंट बता रहे हैं। इस पर आपकी जल्दी से टिप्पणी, और गीता आपकी भी। जीडी बख्शी साहब, देखिए सामरिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि इस वक्त चीन जो है वो एक और फ्रंट नहीं खोलना चाहता, वो एक बड़ी भीषण ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, उसकी तवज्जो स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन वो सिंगल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन रखना चाहता है, इस वक्त वो स्क्वायरली यूनाइटेड स्टेट्स को फेस करना चाहता है, और उसको लगता है कि जो पाश्चात्य सभ्यताएं हैं वो पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं
कि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ाया जाए, दरार बढ़ाई जाए, और इसके चलते चीन भी बिल्कुल इस वक्त कोशिशों में जुटा हुआ है कि दोनों के रिश्ते सामान्य रहें, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको नैरो किया जाए, और किसी उकसावे में आकर भारत जो है या चीन जो है पाकिस्तान के या अमेरिका के उकसावे में आकर भारत ये तनाव को ना बढ़ने दे। ये यही जो पूरा ये जो आउटरीच है जो कि दोनों देशों की मीटिंग्स हो रही हैं उसका यही टेंशन मैनेजमेंट का जो ध्येय है वो सर्वप्रथम है। जहाँ तक बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात की गई थी, देखिए बात ऐसी थी कि चीन के पास सीमेंट स्टील इत्यादि की बहुत ओवर कैपेसिटी हो गई थी, बिल्कुल उसकी डिमांड देश के अंदर डोमेस्टिक खत्म हो चुकी थी। इसके लिए उसने ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव किया ताकि अपना स्टील अपना सीमेंट इत्यादि वो एक्सपोर्ट करे बाहर देशों में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और देशों में शुरू करे जिससे कि उसको लाभ हो। जैसे ग्वादर का जो पोर्ट रीजन है अगर वो शिनजियांग से लिंक कर दे, खासकर फ्री ट्रेड जोन से लिंक कर दे, तो देखिए उसकी इकोनॉमी में कितना इजाफा होता है। भारत ने इसके प्रति आपत्ति जताई और उस वक्त एकमात्र देश था जिसने आपत्ति शुरू शुरू में जताई थी कि भाई इसके चलते आप हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं कर सकते, आप हमारे इलाके के थ्रू ये सड़क हमसे पूछे बगैर नहीं बना सकते, नंबर एक। और नंबर दो, जो ट्रेड टर्म्स है ये तो रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रही है एक किस्म की। श्रीलंका में उन्होंने इन्वेस्ट किया, इतना भारी ब्याज लगाया कि बाध्य कर दिया श्रीलंका को हम्बन तोता का जो बंदरगाह है वो लीज पे देने के लिए। अब यही स्ट्रेटजी, यही मरोड़ दुम मरोड़ने का जो स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान से लगाकर वो जो ग्वादर का पोर्ट है उसको भी लीज पे ले रहे हैं। इसी तरह उनकी कोशिश म्यांमार में है, बांग्लादेश में होगी। तो ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है ये एज एन इकोनॉमिक मॉडल बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल है, और भारत और जापान और अमेरिका इत्यादि और देश कह रहे हैं कि इसका एक मोर बिनाइन मॉडल भी हो सकता है। खासकर भारत और जापान मिलके कई अफ्रीकी देशों में एक और बिनाइन मॉडल इन्वेस्टमेंट का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस तरह दुम नहीं ऐंठता, ऐसे दुम नहीं मरोड़ता, इतना प्रेशर नहीं डालता उस देश पे और फिर वहां की कॉलोनाइजेशन नहीं शुरू करता। ये तो एक किस्म से कॉलोनाइजेशन है कि हम्बन तोता का पोर्ट अब हमारा, ग्वादर का पोर्ट अब हमारा, हंगवी का पोर्ट म्यांमार में अब हमारा। ये सोचना बहुत अनिवार्य है। और देखिए अब धीरे धीरे दुनिया भारत के नजरिए की ओर आ रही है। पहले केवल एकमात्र भारत ही अपोज कर रहा था, अब कई ऐसे मुल्क, जो बड़ा दुखद एक्सपीरियंस हुआ श्रीलंका का और पाकिस्तान में भी तकलीफ हो रही है, सारे देश अब भारत के साथ तकरीबन लग रहे हैं कि ये मॉडल जो है इसमें खामियां हैं। ठीक है, गीता के पास एक बार चलते हैं। गीता, रिएक्शन आपका मेरे उस सवाल पर जिसमें हम देख रहे हैं दोनों तरफ की मीडिया भी वन बेल्ट वन रोड पर तो हमने काफी चर्चा कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए बीती शाम दोस्ती के नाम 5 घंटे तक डिनर पर तो 2 घंटे से भी ज्यादा लगातार बातचीत होती चली गई और आज एक बार फिर 40 मिनट की यह बातचीत। ये पर्सनल केमिस्ट्री और जिस तरह से बहुत देर से अनाउंसमेंट की गई इस दौरे की, लेकिन फिर भी जो उत्सुकता दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों में है कि हमें इन रिश्तों को बायलैटरल टाइज को आगे ले जाना है वो उसमें भी साफ झलकता है। गीता अंजना, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग एक रियलिटी है भारत और चीन में। कल जो बातचीत हुई उसमें दिलचस्प बात यह हुई कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे मैंडेट मिला है अगले 5 सालों में और वो मैंडेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर मिला है। शी जिनपिंग ने जवाब दिया कि मैं इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका साथ दूंगा, क्योंकि ये रियलिटी है कि चीन को भारत की जरूरत है और अगर भारत की जरूरत है आज तो नरेंद्र मोदी ही उनके सारे
मसलों का समाधान कर सकते हैं जो इकोनॉमिक रिलेटेड मसले हैं। और इसलिए और दूसरी तरफ अगर आप देखें मोदी के लिए यह रियलाइजेशन है कि शी जिनपिंग इज हियर टू स्टे। जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए हैं उसमें प्रेसिडेंशियल टर्म्स में कैप हटा दिया गया है, तो अब लंबे वक्त तक आप देखेंगे कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी को ही एक दूसरे को से डील करना होगा। इसी वजह से ये जो डिप्लोमेटिक एफर्ट आप देख रहे हैं इसमें क्रिटिसिज्म नहीं आ रहा है कि ये जो विजुअल्स है ये फैंटास्टिक है। अब देखना होगा आउटकम क्या होगा। टू द एक्सटेंट अंजना कि इवन ऑपोजिशन इन तमिलनाडु उन्होंने भी इस मामल्लापुरम को अपोज नहीं किया इस वेन्यू को, क्योंकि उन्हें पता था कि चीन और भारत में अगर हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं तो वो मामल्लापुरम है। तो डिप्लोमेटिक विन जो है वो इस वेन्यू से ही शुरू हो गया था जब भारत ने जब नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया कि मामल्लापुरम डेस्टिनेशन होना चाहिए था होना चाहिए। एक तो हिस्टोरिकल लिंकेजेस, दूसरा तमिलनाडु। तो काफी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इन सारे क्रिटिसिज्म्स को कंटेन कर लिया। बस एक ही बात है जिसको मैं कहूंगी बिफोर आई टॉस टू यू, वो ये है कि हर बार जब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो बॉर्डर में कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। इस बार ही देखना होगा कि क्या लद्दाख के रीजन में ऐसा कोई इंसिडेंट होगा जिससे चाइना मैसेज भेज रहा है कि आपके आर्टिकल 370 से हमें ठेस पहुंची है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बाद में कह दी और बहुत भारी बात भी कह दी, लेकिन उम्मीद यही कि ऐसा कुछ ना करे, पाकिस्तान की चाल में चीन नहीं फंसे, क्योंकि ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनको ये पता है कि उनका भविष्य कैसे आर्थिक प्रगति से जुड़ा हुआ है। ये वही चीन है जिसने मैन्युफैक्चरिंग हब बन के अर्थव्यवस्था को अपने इस मकाम पर पहुंचाया कि पश्चिमी देश उससे डरते रहे और उसकी ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था के जरिए बढ़ती गई। आबादी भी सबसे ज्यादा पूरे विश्व में, लेकिन इसी के साथ उसको अर्थव्यवस्था में कैसे कन्वर्ट करना है इसमें उन्होंने महारत हासिल की। और ऐसी कोई भी गलती सरहद पर भारी पड़ सकती है जब दो मुल्क साझेदारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी पर मैं जल्दी से आपसे सैयद जफर इस्लाम साहब कमेंट, और पहले भी आपने हाथ उठाया था वन बेल्ट वन रोड पर आप बोलना चाह रहे थे। कुल मिलाकर एक बार फिर से फुल स्क्रीन वो तस्वीरें दिखाइए, महाबलीपुरम ये दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के इस मुलाकात का, लेकिन आज जो चर्चा फिलहाल चल रही है आपको बता दें लगभग 20-25 मिनट हो गए हैं, 40 मिनट ये चर्चा चलनी है, वन ऑन वन ये मुलाकात है, सिर्फ उनके साथ उनके ट्रांसलेटर्स इस वक्त कमरे में मौजूद हैं। और देखिए तो अगर दो पुरानी सभ्यताओं के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त आमने सामने आगे की नीतियों पर चर्चा कर रहे हैं तो महाबलीपुरम के इस एक छत के नीचे दो बड़ी ताकत आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। महत्वपूर्ण है ये चर्चा क्योंकि रिश्ते नाजुक जरूर है लेकिन इन रिश्तों में जो प्रॉमिस है, जो आने वाले वक्त के लिए साझेदारी का सपना है, अगर उस पर फोकस हो पाया, अगर उस पर सकारात्मक कदम और निर्णय लिए गए तो ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत बेहतर होगा। और ऐसे मुल्क जो आसपास है जिनकी स्टेट पॉलिसी आतंकवाद के इर्द गिर्द घूमती रही है उनके लिए भी सबक का सबब ये मुलाकात बन सकती है। सैयद जफर इस्लाम। देखिए इंदिरा जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि पिछले 5 सालों से जिस तरह की कूटनीति हमने अपनाई है, ऑफ एंड ऑन कभी चाइना आउट ऑफ कंपल्शन स्टैंड लेता है वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए, लेकिन उसके हिंदुस्तान के प्रति उसका नजरिया जो है लचीला हुआ है, उसका अप्रोच जो है लचीला हुआ है, सॉफ्ट हुआ है। और ये दिखता भी है जिस तरह से दो प्रधानमंत्री और जो जी पिंग जिस तरह से मिल रहे हैं उससे साफ दिखता है कि वो उनका अप्रोच बिल्कुल भारत के प्रति साफ है और लचीलापन उसमें दिखता है। देखिए अगर आप कोई भी उनके यहाँ भी इस बात की चर्चा होती होगी, हमारे यहाँ भी इस बात की चर्चा होती है, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होती है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर फोरकास्ट करें और कुछ दुनिया के किस किस ममालिक मुल्क जो है आगे आने वाले दिनों में अगले 10-20 साल में जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी और ग्रो करेगी तो उसमें हिंदुस्तान जो है बहुत तेजी से आगे हर फोरकास्ट में देखते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी और सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ होगा तो हिंदुस्तान में होगा। ऐसे में जीपिंग जाहिर चाहेंगे इसलिए कि वहां पर एक जो एज जो पहले उनको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था उसका उनको फायदा मिल चुका है, अब उनको उसका नुकसान है और ऐसे में वो चाहेंगे कि हमसे जाहिर है अच्छी साझेदारी हो ताकि उसका जो भी उनके यहाँ लॉस हो रहा हो कहीं ना कहीं उसको उस कमियों का भरपाई करने के लिए हिंदुस्तान जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उसके साथ रहना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि वो अपने हित में भी ध्यान रखते हुए और भारत के हित को बिल्कुल दरकरार नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमें दो ही कंसर्न है, एक तो हमारा अपना इकोनॉमिक एजेंडा जो है वो जो प्रधानमंत्री ने कहा और दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क जो पूरे दुनिया में
जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ा रहा, उस आतंकवाद से कहीं ना कहीं हमें निजात देना पाना है और उसके लिए चाइना का सपोर्ट हमें भी जरूरत है। ऐसी हर मुलाकात के साथ भारत का कद आगे बढ़ता है, पाकिस्तान एक्सपोज होता है, लेकिन इसी के साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि ह्यूस्टन से लेकर महाबलीपुरम तक विदेश नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नई इबारत लिखने की कोशिश की है वो पूरे विश्व में मिसाल है। और इसका आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीरें इस वक्त अमेरिका से लेकर पाकिस्तान हर मुल्क देख रहा होगा, किसकी धड़कनें कितनी तेज होंगी या फिर कौन मायूस हो रहा होगा ये समझा जा सकता है।